तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। अगर आप एक सैमसंग गैलेक्सी यूजर हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। अगर आपके यहाँ सैमसंग का कोई सा भी फोन है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए सैमसंग के लिए आज गवर्नमेंट ने एक न्यूज या वार्निंग जारी करी है सीआरटी की तरफ से एक चेतावनी जारी करी है पूरे सैमसंग गैलेक्सी यूजर के लिए। सीआरटी का मतलब इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। दोस्तों यहाँ पर की तरफ से क्या है, ये पूरी एक टेक्नोलॉजी वाली टीम होती है जो कि रिसर्च करती रहती है कि कोई भी हमारे इंडिया में किसी की तरफ से किसी का डेटा को हैक ना करे या कुछ प्रॉब्लम ना करे। तो उसी से रिलेटेड एक नया अपडेट आया है। ये उन यूजर के लिए है जो कि सैमसंग गैलेक्सी फोन यूज करते हैं, जैसे कि आप, मैं और सारे यूजर जो कि सैमसंग गैलेक्सी का फोन यूज कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। और स्पेशली उनके लिए जिनके पास, जो लोग सैमसंग गैलेक्सी का फोन भी यूज कर रहे हैं, उनका एंड्रॉइड वर्जन 11 है, 12 है, 13 है और 14 है। और आप जानते हैं आज की डेट में 99% या 95% लोगों के पास सैमसंग गैलेक्सी फोन जिनके पास है तो उनके पास या तो वर्जन 11 है, या तो वर्जन 12 है, या तो वर्जन 13 है, या तो वर्जन 14 है। उससे ज्यादा पुराने वाले जो मोबाइल है वो लगभग तो खत्म ही हो चुके हैं जो कि यूज के नहीं है। तो यहाँ पर वाम क्या आ रहा है कि उनका ये कहना है कि कुछ ऐसे हैकर्स आ रहे हैं जो कि आपके डेटा को हैक कर सकते हैं इन सैमसंग गैलेक्सी में, जिनमें एंड्रॉइड 11 है, एंड्रॉइड 12 है, एंड्रॉइड 13 है और एंड्रॉइड 14 है। अगर आपके पास भी इनमें से रिलेटेड कोई भी ऐसा फोन है तो आपको पता होगा सैमसंग गैलेक्सी में आपको नॉक सिक्योरिटी मिलती है, AR इमोजिस का ऑप्शन मिलता है और उसके अंदर आपको भी कुछ ऑथराइज एप्स मिलते हैं। तो AR इमोजिस और नॉक सिक्योरिटी के अंदर कुछ एरर सा आ रहा है या कुछ ऐसे बग्सेस हैं जिससे बाईपास कर सकता है कोई भी हैकर आपके डेटा को। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो सबसे पहला काम आपको करना है अपने सैमसंग गैलेक्सी में सेटिंग्स में जाके, सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके देखना है कोई भी सिक्योरिटी अपडेट अगर पेंडिंग है तो सबसे पहले सिक्योरिटी अपडेट कर लो। सिक्योरिटी अपडेट करने से काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि आपका कोई डेटा को हैक कर पाएगा, बिकॉज सिक्योरिटी अपडेट में हमेशा नई नई चीज़ें दी जाती है जिससे कोई सिक्योरिटी आपके, मतलब कोई भी अगर आपको हैक करना चाहे या डेटा लीक करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। सिक्योरिटी अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए सैमसंग गैलेक्सी वाले 4 साल तक का सिक्योरिटी अपडेट देते हैं। आज की डेट में हर मोबाइल में हर मंथ अपडेट आता है। जैसा कि अभी मेरे सैमसंग A52s में भी अभी रिसेंटली अपडेट आया था, उसमें OneUI 6.0 भी आया था और सिक्योरिटी पैच लेवल भी अपडेट हुई थी। तो आपको अगर चेक करना हो कि आपकी सिक्योरिटी पैच लेवल क्या है तो आपको करना क्या है, यहां जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाने के बाद जाना है आपको यहां पर सॉफ्टवेयर अपडेट्स में, एंड देन जाना है आपको यहां पर अबाउट फोन में जाना है सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन पे, एंड देन वहां पर आपको चेक करना है कि आपकी सिक्योरिटी पैच कौन सी मंथ की है। जैसे कि मेरी अभी आपको दिख रही होगी 1 नवंबर 2023 की मिल रही है, तो ये भी गलत है। सिक्योरिटी पैच करेंट मंथ की ही होना चाहिए। अगर आपके पास अभी अपडेट, अगर लेटेस्ट वर्जन अगर आप चला रहे हैं तो आपको अपडेट करके रखना है। और अगर अपडेट नहीं है तो अगर आप, मतलब आपके पास कोई पेंडिंग अपडेट नहीं होना चाहिए, कंपनी की तरफ से नहीं आया बात अलग है, बाकी आपकी तरफ से कोई भी अपडेट पेंडिंग नहीं होना चाहिए, अपडेट आपको करते रखना चाहिए। और फिलहाल ये वार्निंग आने के बाद अभी सैमसंग की तरफ से कुछ रिप्लाई नहीं आया है, हो सकता है कोई रिसेंटली एक नया अपडेट रोल आउट किया जाए और सारे बग्स को फिक्स आउट किया जाए। फिलहाल ये जो चेतावनी आई थी CERT की तरफ से, जो कि मैंने आपको बता दी, आपको अपने मोबाइल को अपडेट करके रखना है AR इमोजीज और नॉक सिक्योरिटी से, और भी कुछ सैमसंग की एप्स हैं जिससे कुछ डेटा को इधर से बाईपास करने का बहुत ही इजी चांसेस है हैकर्स के लिए। तो आपको ऐसा नहीं करने देना है, आपको अपने मोबाइल को सिक्योरिटी को अपडेट करके रख लेना है। तो यही अपडेट था बहुत बड़ा सैमसंग की तरफ से। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलना, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलती रहे। और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक भी फॉलो कर लेना, और सबसे जरूरी चीज़ ऐसी ही नई अपडेट्स के लिए मुझे व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर लिया करो, ताकि ऐसे नए अपडेट सबसे आपको मिलते रहे। थैंक यू।